इस समय हम देखिए चोड़ा बाजार के आगे आता है घास मंडी, और घास मंडी में जहाँ पर टेक्सटाइल का जो क्लोथ वगैरह है, जहाँ पर ये होलसेल मंडी है जहाँ पर लुधियाना शहर में, और जितना भी टेक्सटाइल का जहाँ पर कपड़ा होता है, गर्म कपड़ा होता है, जो सूट वगैरह बनते हैं, इसी मार्केट में आना पड़ेगा आपको। अपना घंटाघर से सीधा रोड जाता है घास मंडी को, घास मंडी के बाद आपको इधर आना पड़ेगा टेक्सटाइल जो है हमारा, जहाँ पर ये घास मंडी चौक है चोड़ा बाजार लुधियाना, तो जहाँ पर आपको मिलेंगे टेक्सटाइल कपड़े, जब देखो दुकानों के बाहर रखे हुए हैं सभी। तो हम इस समय जा रहे हैं राधिका टेक्सटाइल जो है यहाँ पर, एक राधिका टेक्सटाइल वालों के पास हम जा रहे हैं। ये देखिए राधिका टेक्सटाइल, और देखिए राधिका टेक्सटाइल एक्रिलिक चेक प्लेन फैब्रिक क्लोई ब्लैंकेट शॉल एक्स्ट्रा इसमें बुलन मिल्स। और यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो अपना क्लोथ वगैरह मिलते हैं, गर्म जो है हमारे सूट वगैरह बनते हैं, शूटिंग शटिंग का जो काम है यहाँ पर, वही इस मार्केट में आपको मिलेगा। लुधियाना शहर में आएंगे तो आपको गर्म अगर फैंसी शॉल चाहिए, स्टॉल चाहिए, या बुलन कश्मीरी शॉल, या अपना लोई ब्लैंकेट वगैरह प्लेन फैब्रिक या चेक, जो भी चाहिए आपको इसी बाजार में आना पड़ेगा। और इस समय हम जैदिका टेक्सटाइल में, राधिका टेक्सटाइल में आए हैं, तो जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कुछ जहाँ पर जो इन्होंने अपना क्लोथ रखे हुए हैं जो बुलन के हैं, एक्रिलिक के हैं, तो सर्दियों में पहनने वाले हैं। अभी हम आपको घास मंडी चौक में खड़े जहाँ दिखाते हैं। इस समय हम जैसा हमने बताया था राधिका टेक्सटाइल में पहुंच चुके हैं, और हमारे साथ चंद्रशेखर मोंगा जी हैं जो राधिका टेक्सटाइल चलाते हैं, और इनका जो आउटलेट है, शोरूम है घास मंडी में, और जहां पर जो व्यापारी हैं सारे इंडिया से जहां पर ये जो ऑर्डर बुक करवा के जाते हैं, और ये शूटिंग शर्टिंग जो बुलन का माल है इनका, तो जहाँ पर ये सेल करते हैं। जो हमें चंद्रशेखर मोंगा जी बताएंगे कि इनके पास कौन कौन सी क्वालिटी है, और इसमें क्या जाने के हिडन है कि आदमी तो सोचता नहीं, जो व्यापारी आता है उनमें क्या बारीकी होती है, ये हमें चंद्रशेखर मोंगा जी बताएंगे। चंद्रशेखर जी, ये बताइए आपके पास कौन सी क्वालिटी है? देखिए, हम लुधियाना में बैठे हैं, और लुधियाना इज़ फेमस फॉर हॉजरी वुलन आइटम्स। उसी की एक कड़ी में ये टेक्सटाइल में हम डील करते हैं। टेक्सटाइल में एक ये प्रोडक्ट बनता है, फैब्रिक है, ये शर्टिंग के काम आता है, लेडीज सूट्स के काम आता है। इसकी क्वालिटी की जितनी तारीफ की जा सके वो थोड़ी है। कारण ये है कि इसमें स्वेटर जैसे पहनने जितनी इसमें वॉर्म्थ रहती है, गर्माइश है, कलर इसके फास्ट कलर होते हैं, अगर इसमें कट वगैरह नहीं। चंद्रशेखर जी, मैं आपको थोड़ा टोक रहा हूँ बीच में, कई क्वालिटी बहुत लोअर क्वालिटी होती है कहते हैं जी, आपका रेट क्या है इसका, कितने रुपये मीटर पड़ता है ये? जी ये आइटम जो हमारी पड़ी है ये 88 रुपये मीटर हम होलसेल में बेचते हैं अपने डीलर्स को, और इसके ऊपर 5% GST रहता है। ये आज की डेट में इसका प्रिवेलिंग प्राइस 88 रुपये है। तो लोग कहते हैं 50 रुपये भी मिल जाता है, 60 रुपये मिल जाता है, 40 रुपये मिल जाता है, उसमें क्या क्वालिटी में जाने की कमी होती है? श्रीपाल जी, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। रेट सस्ता करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमने वुलन प्रोडक्ट लेना है। मेरी सोच ये है कि इट शुड बी द बेस्ट, ठीक है। अगर हम हल्का बनवाएंगे, धागा सही नहीं लगाएंगे, तो अल्टीमेटली उसमें कंप्लेंट भी आएगी, वॉर्म्थ नहीं होगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। स्टिचिंग के पैसे तो पूरे लगेंगे। बताया था कि ये जो आप दिखा रहे हैं हमको शूटिंग का, ये जो कपड़ा आपके सामने रखा है शर्टिंग का जो है, तो इसमें जो आपके पास कितनी क्वालिटी है जब बताइएगा, कहाँ से शुरू? आपने बोला है 88 से शुरू होता है, उससे लोअर क्वालिटी का आपके पास है? हाँ जी, लोअर क्वालिटी एक रखा है। आप लोअर क्वालिटी कौन सी आपके पास? ये आइटम लेडीज सूट्स में ज़्यादा काम आती है। ये लेडीज सूट के लिए है, दिखाइए जरा। और ये शर्टिंग में भी चलती है, प्लेन शर्ट्स पहनने वाले इसमें 8-10 कलर प्लेन शर्टिंग वाले हैं,
और बाकी लेडी सूट में ये शार्प जो तेज़ रंग हैं, जैसे मैजेंटा है, फिरोजी है, गोल्डन है, रेड है, मैरून है, ये सारे कलर ज़्यादा तौर से। मुझे सूट कितना मीटर लगता है एक लेडी सूट में, कितना लगता है? 4 मीटर में, क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। इसकी विड्थ हमारी 44 इंचेस, सवा गज़ कहते हैं हम उसको पुरानी लैंग्वेज में, क्योंकि गज़ आजकल नहीं चलते, 44 इंच होती है। और ये 4.5 मीटर में लेडीज सूट जो पंजाबी लेडीज़ पहनती हैं वो आराम से बन जाता है। तो 4.5 ये कितने रुपये मीटर है मोगा जी, कितने रुपये मीटर है ये वाला कपड़ा? हम जो होलसेल में बेचते हैं वो 74 रुपीज़ पर मीटर प्लस GST चार्जेस 5%, वो तो सरकार लेती है, तो समझ लो ये 77-78 में 80 रुपये, यानी कि आपको मिलेगा ये मीटर 80 रुपीज़ पर मीटर। उसमें कॉस्ट उसको व्यापारी को अपने घर पहुँचने तक पड़ता है। तो यानी कि व्यापारी आगे इसको सेल करता है 150 में करता होगा, 120 में करता होगा, कुछ भी करे जी, वो उसकी अपनी ऑप्शन है, लेकिन 120 से कम कोई भी नहीं बेच। तो ये आपका जितना भी ये अपना बुलन का ये शूटिंग शर्टी का आपका माल है, हाई क्वालिटी का माल है यानी कि? हाई क्वालिटी, हम क्वालिटी में धागे में कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरी ये सोच है कि हम बेस्ट क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड करें, चाहे वो 10 साल ये सूट पहनती रही लेडीज़ या शर्ट पाकर 10 साल पहनता रहे, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यानी कि ये वूलन का है आपका, प्योर वूलन का है। और वूलन में इसमें जो सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये होम वॉश आइटम है, आप इसको नॉर्मल सर्फ से धो सकते हैं, धोते भी हैं लोग अपने घरों में, फास्ट कलर्स रहते हैं, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आती। तो डाई आप ही करवाते हैं, जो डाई वगैरह कराते हैं इसमें? ऐसा है, जब हम फैब्रिकेट करवाते हैं धागा लेके, उसको डाइंग करवाया जाता है, डाइंग भी अच्छी क्वालिटी की हम करवाते हैं, सो दैट के हमारे कस्टमर को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसमें रंग वगैरह पेंट होने का कोई चांस नहीं है जी? जो हम प्रोडक्ट बेचते हैं इसमें ना तो कलर ब्लीड करेगा, ना इसमें गोली बनेगी, ना किस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास जो अगर 20-50 जो भी लेना चाहता है ये थान जो है, कितने तक आप प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को? अगर आपसे क्लाइंट लेना चाहता है ये भी थान रखे हैं, जो मेरे को 200 मीटर 500 मीटर कपड़े चाहिए, तो आपको ऑर्डर कितने दिन पहले देना पड़ेगा? एवरेज 500 मीटर्स की एक बेल बन जाती है, और उसमें एवरेज हम अप्रॉक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 20 थान की गांठ बनेगी, ठीक है? तो कस्टमर जितना भी डिमांड करता है वो यूजली हम लोग देने की पोजीशन में रहते हैं, वी कैन अरेंज एंड वी कैन प्रोवाइड। तो आप जो ये माल है जहाँ से बिल्टी वगैरह कराते हैं, क्या कैसे भेजते हैं व्यापारी को? ट्रांसपोर्ट का कस्टमर जिस ट्रांसपोर्ट पे कहता है हम यहाँ उसको पहुँचा देते हैं, और जीआर उसको दे देते हैं। जीआर मींस गुड्स रिसीट। तो कितने कम से कम कितने का माल, 10,000 का 15,000 का, जो अगर व्यापारी आपसे इंडिया में मंगवाना चाहे, आपको ऑर्डर देता है और आप जो सैंपल वगैरह उसको व्हाट्सअप पे भेज देते हैं, तो कितने का माल आपसे जाने के एडवांस पैसे लेके कैसे? अराउंड अगर वो थोड़ा थान भी लेता है तो 30,000 to 50,000 में उसकी बेल बनती है। 30,000 से कम वाली बेल तो बन ही नहीं पाएगी ना जी, बहुत थोड़ा माल होगा तो ना तो वह अपना जा पाएगा, ठीक है ना? 2-4 थान तो जाएंगे नहीं, 10 थान भी लेगा तो अंदाज़ा 20,000 to 25,000 में बेल या 30,000 की उसकी बन जाएगी। दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। अगर ये क्वालिटी लेता है तो थोड़ा सस्ती है। हमारे पास जो हाईएस्ट क्वालिटी है वो 133 पर मीटर, 133 रुपये पर मीटर प्लस उसमें 5%। तो आप वो थोड़े चेक कर दिखाइए, इतने आपको डिज़ाइन पड़े हैं, थोड़े दिखाइए डिज़ाइन, आप डिज़ाइन दिखाइए क्या क्या आपके पास, तो पता चल जाए सभी लोगों को। प्लेन के बाद ये चेक क्वालिटी है, ठीक है? चेक के बाद ये लाइनिंग की एक क्वालिटी, ये लाइनिंग की क्वालिटी है, देखिए। हाँ जी, ठीक है सर। ये भी लेडीज सूट में भी चलता है और जेंट्स शर्ट, जेंट्स दोनों, लेडीज जेंट्स के लिए, ठीक है? एक ये सेल्फ डिज़ाइन में क्वालिटी है, ये देखिए नया डिज़ाइन आया है, लेटेस्ट है, और ये गांधी जैसे गांधी के कपड़े होते थे उसी डिज़ाइन का लग रहा है। इसको हम खादी कह सकते हैं, खादी जैसे लैंग्वेज में, कि खादी टाइप इसका डिज़ाइन है, लेकिन है 100% एक्रेलिक में, गर्म है, और इसमें ये सूट पहनने के बाद शॉल वगैरह की ज़रूरत इसके साथ नहीं पड़ती है। ये गर्म सूट हैं जो दिखा रहे हैं, ये मोंगा जी रात का टेक्सटाइल है, ये घास मंडी चौक में, और इनकी अपनी जो टेक्सटाइल मिल है वहीं से ये कपड़ा बनकर तैयार होता है, और जहाँ पर ये अपने जो आउटलेट रखा हुआ है, जहाँ पर जो अपने जो शोरूम रखा है, जहाँ पर ये होलसेल बेचते हैं, दिखाइए और सर दिखाइए। उसके बाद एक ये क्वालिटी आती है, ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी, ये प्लेन मैंने पहले एक जो दिखाई थी वो 74 रुपीज़ पर मीटर वाली थी, ये 88 रुपीज़ पर मीटर, और 90-92 रुपये यानी कि मीटर ये पड़ता है कपड़ा। और ये कहते हैं क्वालिटी से हमारा कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है, ये जितना भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, बुलन का कपड़ा शूटिंग के लिए ये जहाँ पर तैयार करते हैं, ये देखिए और नया ये डिज़ाइन देखिए आप, डिज़ाइन कितने भी हैं जिसमें हम ये डील कर रहे हैं। इसकी अगर आप श्रीपाल जी थोड़ा हाथ लगा के देखें, थिकनेस देखिए, देखिए ये हम बिल्कुल कपड़ा बहुत जाने के हैवी कपड़ा है ये, और बिल्कुल जैसे कंबल जैसा होता है ना, जैसे उसी तरह लगता है, ये बहुत गर्म कपड़ा है। इसकी फीलिंग ट्वीड वाली आती है,
ट्वीट वाली जैसे जैसे फीलिंग आती है। ये 133 रुपए मीटर है, जीएसटी डाल के अंदाजा 140 रुपए 140 रुपए मीटर लगेगा। यानी कि बढ़िया क्वालिटी के जो सूट आप देखेंगे, यही कपड़ा जो जहाँ से लुधियाना शहर से जाता है टेक्सटाइल का, तो बढ़िया क्वालिटी के जो कि 500-700 रुपए का आपको ये कपड़ा ही पड़ेगा जो बढ़िया क्वालिटी का। और दिखाइए इससे में कौन सी रेंज आपके पास। अब ये कलर देखिए, ये नॉर्मल कोर्स में ओल्ड एज लेडीज के लिए आते हैं, हम इसको मिक्सचर कलर्स कहते हैं या कुर्ता क्लॉथ कहते हैं इस प्रोडक्ट को। इसमें भी 6-7 कलर और बनते हैं, ये सीनियर सिटीजन के लिए, ओल्ड लेडीज जो हैं, मम्मी दादी जो हैं, उनके लिए ये कपड़े उन्होंने दिखाया था। अभी जो प्लेन कलर है ये दिखाइए, अभी दिखाया है, ये देखिए नया डिजाइन दिखाइए। ये चीज़ है, ये जैकार्ड में चीज़ें बनती हैं, मतलब एंडलेस क्वालिटी है। इस साल कोविड की वजह से प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, सारे शहर में ही कम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद देखो हमें उम्मीद कम थी, अब कस्टमर आना शुरू हुआ है और अच्छी डिमांड निकल रही है। तो देखिए ये नया डिजाइन है, और जहाँ पर लुधियाना शहर में सारे ऑल इंडिया से जहाँ पर व्यापारी लोग आते हैं और जहाँ से माल खरीद के लेके जाते हैं, अगर आपका भी चक्कर लगे जहाँ आप माल खरीदना चाहते हैं, लुधियाना आना चाहते हैं, तो आपको शूटिंग शटरिंग का बुलंद का अगर कपड़ा चाहिए तो आप याद रखिए रात का टेक्सटाइल या घास मंडी, या रेलवे स्टेशन से आपको घंटा घर आना पड़ेगा, घंटा घर से आपको सीधा चौड़े बाजार होकर घास मंडी में पहुँचना पड़ेगा। आप किसी से पूछ सकते हैं कि रात का टेक्सटाइल कहाँ पर है। ये देखिए ग्रीन वाला, हर क्वालिटी के कलर हैं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे इनसे अपना सैंपल मंगवा सकते हैं। क्रीम दिखा और आप वीडियो में भी अलग अलग जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कंपनी जो है राधिका टेक्सटाइल है, ये अपना क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करती, क्वालिटी बढ़िया मिलेगी, कपड़ा जो है बिल्कुल पक्के रंग का होगा, उसमें कोई रंग वगैरह पेंट नहीं होगा, और ये कपड़ा जो है 6-6 साल 10-10 साल जाने के बिल्कुल नहीं खराब होता। ये आप आज खरीदेंगे तो ये कई साल तक आपके पास रहेगा, क्योंकि क्वालिटी बढ़िया है और जो जारन लगा हुआ है इसमें बिल्कुल हाई क्वालिटी का है। शर्मा जी, यूजली लोग कहते हैं कि क्रीम कलर में वुलन आइटम नहीं मिलती, ये भी 100% एक्रेलिक में क्रीम में तैयार किया। ठीक है, देखिए जी बिल्कुल बढ़िया ये कपड़ा दिखा रहे हैं, ये दोबारा बताना ये कौन सा कपड़ा है। ये एक्रेलिक होता है, 100% एक्रेलिक में है ये, इसमें किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं, ना गोली बनेगी, वो जैसे सुखड़ जाता है कपड़ा, ये कहते हैं सुखड़ेगा नहीं, ना श्रिंकेज होगी, और ना इसमें जो बन जाती है बिंदी बिंदी बन जाती है वो भी बिल्कुल नहीं बनेगी, आपने देखा होगा बुलन में बन जाती है। देखो एंडलेस है, ये देखिए डिजाइन देखेंगे एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट, बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा। लेडी सूट में जो हमारे पहले बताया था कि बुलन में ये नया डिजाइन जो आया है, देखिए ये बुलन में है, गर्म है ये, और इसके साथ आपको कोटी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे डिजाइन्स बनते हैं, अगर आप देखना चाहते थोड़ा सा इसमें आप उधर लगाइए थोड़ा सा डिजाइन, जितने भी डिजाइन दिखाइए अलग अलग डिजाइन है ये, डिफरेंट डिजाइन्स। और ऑर्डर पे भी बनाए जा सकते हैं, जैसा मिल सकते हैं आपको, अगर कोई किसी को अपना रिक्वायरमेंट है तो ऑर्डर पे आइटम तैयार की जा सकती है। और अभी हमने आपको दिखाया कि राधिका टेक्सटाइल जो अपना घास मंडी में है, ये चौड़े बाजार से थोड़ा सा आगे आगे आपको घास मंडी चौक मिलेगा, और उसके पास ही राधिका टेक्सटाइल है, चंद्रशेखर मोंगे जी जहाँ पर बैठते हैं, तो उनकी राधिका टेक्सटाइल जो मिल है जहाँ पर ये बुलन का कपड़ा तैयार होता है, सूट और शर्टिंग का जो कपड़ा तैयार करते हैं, और जहाँ पर इनके पास हजारों क्वालिटी हैं, और ये सिर्फ क्वालिटी यानी कि सबसे बढ़िया देते हैं, और उनका जो कपड़ा है वो बिल्कुल पक्के कलर में डाई किया होता है, और इनका कपड़ा जो है सारे इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है, और जहाँ पर व्यापारी दूर दूर से लेने के लिए आते हैं। अगर आपका भी कभी लुधियाना चक्कर लगे, अगर जहाँ आप ऑर्डर देना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है इनका, तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं।